टू माई चैनल कुमार्स बाबा जूनियर। मैं हूँ आप सबका अपना राजा है और आज हम लोग करने जा रहे हैं एनी केसेस, जी हाँ पीपीसी, जो कि मैंने इस वीडियो से पहले वीडियो पर आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो स्पेशली पीपीसी पर बनाऊंगा। सो आज हम लोग वही बारे में जानेंगे कि पीपीसी क्या है, उसका कर्व कैसा होता है वगैरह वगैरह। एंड बाय द वे वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को मेरे तरफ से एंड कुमार्स बाबा जूनियर के चैनल के तरफ से। सो विदाउट एनी डिस्कशन लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास, चले। सो आज का हम लोग का पहला पॉइंट है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो इसका सबसे पहले आज हम लोग डेफिनेशन जानेंगे। अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व which shows the various alternative production possibilities of two goods that can be produced with given resources and techniques of production। मतलब एक production possibility curve एक ऐसा curve होता है जो हम लोग को show करता है। क्या show करता है? Two goods को हम लोग किस तरह से अलग अलग तरीके से मतलब produce कर सकते हैं with given resources and techniques of production। मतलब हम लोग का resources and techniques of production हम लोग को given होता है, देखे रखा होता है, and हम लोग two goods को किस तरह से अलग अलग से produce कर सकते हैं उसको हम लोग को show करता है। क्या? Production possibility curve, short form में PPC, ठीक है। फिर से एक बार मैं reading कर दूँ, किसी को मेरा handwriting समझ नहीं आता है तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ इसका definition क्यों ना। A production possibility curve is a curve which shows the various alternative production possibilities of two goods that can be produced with given resources and techniques of production। ठीक है। सो नेक्स्ट इसका assumption of PPC, assumption मतलब उसका assumption मतलब उसका ये होना पड़ता है, ठीक है। एजम्पशन में क्या है? सबसे पहला रिसोर्सेज अवेलेबल आर फिक्स, आपका जितना भी रिसोर्सेज है वो फिक्स होना पड़ेगा, या तो बढ़ना नहीं चाहिए या तो घटना भी नहीं चाहिए, जितना भी रिसोर्सेज है उतना रहना पड़ेगा, ठीक है, फिक्स रहना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? द टेक्नोलॉजी रिमेन्स अनचेंज, आपका टेक्नोलॉजी अगर अच्छा वाला है तो आपका अच्छा रहना पड़ेगा, डिग्रेडेड नहीं होना चाहिए या फिर ओवर अच्छा नहीं हो जाना चाहिए, आपका जितने जो टेक्नोलॉजी है वही रहना पड़ेगा, ठीक है। द टेक्नोलॉजी रिमेन्स अनचेंज मतलब इसका होता है कि जो भी आप मशीनरी या फिर कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसी तरह रहना चाहिए, न्यू आइडिया न्यू इनोवेशन वहाँ में नहीं आना चाहिए, नहीं तो पीपीसी आपका उल्टा पुल्टा हो जाएगा, या तो आगे बढ़ जाएगा या तो पीपीसी आ जाएगा, मतलब पीछे आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट एजम्पशन क्या है पीपीसी का? द रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, मतलब आपका जितना भी रिसोर्सेज है वो फुल्ली एम्प्लॉयड होना पड़ेगा, मतलब फुल्ली यूज़ होना पड़ेगा। अगर आप जितना भी अगर आपका जैसे रिसोर्स मान लिया 100 लेबर, तो आपको उसको फुल्ली यूटिलाइज करना पड़ेगा, 100 का 100 को ही पूरा यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 90 लेबर काम कर रहा है, 10 लेबर घर में सो के एकदम नींद मार के बैठ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा का 100 का 100 को यूज़ में लाना पड़ेगा, तभी आपका पीपीसी मिल सकता है अच्छा वाला, ठीक है। देन मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल देके रखा है पीपीसी का, ड्राइंग का, आप देख लीजिए एक बार। ये 90 डिग्री में होता है पीपीसी हमेशा, एंड देन ये हमेशा नेगेटिवली स्लोप होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी में मैं नेक्स्ट पॉइंट में बता दूंगा कि क्या है, क्यों नेगेटिवली स्लोप होता है, ठीक है। ये देखिए अगर ये पीपीसी का जैसे लाइन हो गया, नेगेटिवली स्लोप होता है ऊपर से नीचे, अगर ये पीपीसी का अंडर में अगर आपका रिसोर्सेज आ रहा है ना, तो आपका होता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आपका रिसोर्सेज को आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपका 100 लेबर्स था तो आपने सिर्फ 90 को यूज़ किया, तो 10 तो ऐसे ही अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब आप अपना रिसोर्सेज जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप फुल्ली यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, मतलब आप फुल्ली यूज़ ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि आपका अगर 100 लेबर है आपका पास, तो आप सिर्फ 90 को यूज़ कर रहे हैं, 10 का तो आप तो घर में सोने दे रहे हैं, तो वो कैसे यूटिलाइज होगी आपका? आधा यूज़र मतलब 90% यूज़र है, बट 10% तो आपका ऐसे ही बैठ रहा है, तो आपका नहीं होना चाहिए। अगर अंदर में अगर इसका अगर अंडर हो गया तो मतलब आप अपना अपना रिसोर्स का अंडर यूटिलाइजेशन मतलब यूज़ ही नहीं कर पा रहे पूरा फुल्ली तरह से, ठीक है। देन उसका बताता है अगर पीपीसी का अगर कर्व का अगर मिडिल में हो तो आपका क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आप अपना आपका जितना भी रिसोर्सेज है आप उसे फुल्ली यूज़ कर रहे हो, फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, पूरा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तब आता है आपका पीपीसी कर्व में। एंड देन लास्ट में आता है कि
पीपीसी कर्व को अगर छोड़ के अगर रियल लाइन अगर बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाए तो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब बहुत ही अच्छा, चांदी चांदी, मतलब आपका नेशन ग्रोथ कर रहे हैं और अभी बहुत अच्छा से, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। सो प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी का सबसे पहला पॉइंट है डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पीछे देखते हैं आप और एक बार वापस देखिए, मैंने यहाँ पर दिया ना कि ऊपर से नीचे तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से पीपीसी हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग करता है, इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं और लेफ्ट टू राइट, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका होता है प्रॉपर्टीज। देन सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, नेगेटिवली स्लोप, ऊपर से नीचे जा रहा है तो इसका मतलब नेगेटिवली स्लोप है। देन थर्ड पॉइंट क्या है, द शेप ऑफ पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन, शेप क्या है पीपीसी का, कॉनकेव टू द ओरिजिन, ठीक है। एंड देन मैंने जो एक्स्ट्रा पॉइंट ज्वाइन किया वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा कॉस्ट जो कि एक दूसरा प्रोडक्ट का होता है जिसे हम लोगों ने छोड़ दिया टू प्रोड्यूस द फर्स्ट, मतलब हम लोगों ने एक प्रोडक्ट को लेने के लिए जो दूसरा प्रोडक्ट को जो छोड़ देता है उस दूसरा प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होता है उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल एक एप्पल ले लीजिए एंड देन एक मैंगो, एप्पल का मान लीजिए 100 रुपीज़ पर केजी एंड देन मैंगो का 120 पर केजी, बट आप लोगों ने अगर मैंगो को चुना बिकॉज आप लोगों को मैंगो अच्छा लगता है तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, एप्पल, बिकॉज आपने एप्पल को छोड़ दिया किसके लिए, मैंगो को लिए, तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा ये, आप लोगों ने इसको लेने के लिए इसे छोड़ दिया तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा ये, ठीक है, ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो आज का वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।